नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। राफेल सौदे पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, वो तिल मिला रहा है, क्योंकि राफेल की कीमत को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को खूब घेरा था। यहां तक कि चुनावी रैलियों के दौरान राहुल गांधी ने राफेल को एक बड़ा मुद्दा भी बनाया था और उनकी हर रैली की शुरुआत भी चौकीदार चोर से ही होती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे पर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है और ये बता दिया है कि राफेल सौदे में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और इसे विवादित मुद्दा ना बनाया जाए। खैर, कुछ भी हो, मगर कोर्ट का फैसला देश के लिए कई मायनों में अहम साबित होने जा रहा है। ये फैसला क्यों अहम है, इसकी सबसे बड़ी वजह के बारे में जानकर आपका भी सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। बता दें कि भारत में राफेल लड़ाकू विमान के आने का रास्ता साफ हो गया है। मई 2020 में पहला राफेल विमान भारत आ जाएगा, जिसके चलते हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में पहुंचकर राफेल की शस्त्र पूजा की और उसके बाद उसमें बैठकर उड़ान भी भरी। बता दें कि भारत को आरवी सीरीज के जो राफेल मिलने जा रहे हैं, उनका नामांकन वर्तमान वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया के नाम पर किया गया है। राफेल के शामिल होने से वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है। इसमें लगी स्कैल्प मिसाइल हवा से जमीन तक 30 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकती है, जिसका मतलब है कि बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए भारतीय विमान को अब नियंत्रण रेखा पार करने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद के हवाई क्षेत्र में रहकर हमला कर सकता है। कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है, ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। इस मामले में राफेल आधुनिक लड़ाकू विमान है। अब आपको बताते हैं कि इस विमान में सबसे बड़ी कौन सी खासियत है जिसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा रखे हैं। दरअसल वो है मीटियोर मिसाइल। जी हाँ, दृश्यता रेंज से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में ये सर्वश्रेष्ठ है और ये दुश्मन के विमान को 100 किलोमीटर दूरी पर ही नेस्तनाबूद कर सकती है। 60 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के एक विमान के बचने का कोई भी मौका नहीं देती है। इसके मुकाबले में अमेरिका की MRIAM मिसाइल पाकिस्तान के पास तो है, लेकिन राफेल की मीटियोर मिसाइल के मुकाबले मोर्चे पर कमजोर है। बता दें कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के मुकाबले भारत के पास अब तक कोई ताकतवर लड़ाकू विमान नहीं था। भारतीय वायुसेना भी कई सालों से राफेल की मांग कर रही थी, लेकिन अब दुश्मन को हवा हवा में ही तबाह करने वाला अचूक हथियार राफेल जल्द ही भारत से सटी सीमाओं पर तैनात होने वाला है। राफेल विमान की मीटियोर मिसाइल से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही तमाम तरीके खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।